कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वात रोग और नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको 30% आराम मिल जाएगा। ये अजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको पहली बार इस्तेमाल कर लेंगे तो 30% यानी 30% तक आपको फायदा मिल जाएगा। दोस्तों, सर्दियों का समय आ गया है, ऐसे टाइम में जिनको भी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नसों में तकलीफ है, नसों में सूजन है या फिर वेरिकोज वीन की प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की नसों में दर्द की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जो मैं इस्तेमाल करने के लिए आपको बताने जा रही हूँ, ये दर्द को खींच लेगी और बाहर कर देगी। आपके दर्द को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता रखती है ये चीजें। ये सारी चीजें नसों की कमजोरी को खत्म करती हैं, सूजन को भी खत्म करती हैं, उसकी वजह से जो शरीर में थकावट आ जाती है, चक्कर आते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देती हैं। आज के समय में लाखों लोग हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये माना गया है कि जब आपके शरीर के अंदर वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। वात दोष को खत्म करने के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आपको रोज रात को गर्म पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला पाउडर, आधा चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल डालकर उसे मिक्स करके रोजाना लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का सिस्टम सही रहे, वो उसके अंदर से जो वात दोष है वो बाहर निकल जाए, किसी भी तरह की नसों के अंदर ऐठन इकट्ठी ना हो, गैस इकट्ठी ना हो। कई बार क्या होता है कि जब गैस नसों के अंदर घुल जाती है, घूमती है या फिर घुस जाती है, तो ये बहुत सारी तकलीफें पैदा कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, आपने क्या करना है, 8 से 10 मुनक्के लेने हैं, सूखा हुआ नारियल लेना है। आप किसी भी समय इसे खा सकते हैं। अगर आपको मैं समय बताऊं तो 4 से 5 बजे यानी कि शाम के समय अगर आप इसे खाते हैं तो ये काफी अच्छा होगा और बहुत आसानी से भी पच भी जाएगा। ये आपकी बॉडी में अच्छा ऑयल बनाना भी शुरू कर देगा, नसों के अंदर की सूजन को खत्म कर देगा। तो आपको ये मुनक्का और नारियल कम से कम 90 दिन तक लगातार आपने जरूर लेना है, और आज से ही इसे लेना शुरू कर दीजिए। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियां शुरू हुई है, ताकि आपको ये सर्दियों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द या नसों की कोई भी तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये तो हो गई खाने वाली रेमेडी, अब बात करते हैं लगाने वाली रेमेडी के बारे में। आप मार्केट में से ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीद कर ले आइए, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई कलर या मिलावट ना हो। हमें 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए। इसके साथ दोस्तों, हमें चाहिए गोखरू का पाउडर, ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। शरीर के अंदर किसी भी तरह की सूजन रहती है तो इससे वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हमें 2 चम्मच गोखरू का पाउडर लेना है और 1/2 कप हमने सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को आपने किसी बर्तन के अंदर डालकर इसे हल्का सा गर्म करने के लिए इसके बर्तन के अंदर तेल को डाल देना है, और इसके अंदर हमें डालना है वो गोखरू का पाउडर। गोखरू का पाउडर हमने इसके अंदर डालने के बाद इसे हिलाना है और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों कपूर, सिर्फ 2 टिक्की हमने इसके अंदर कपूर डाल देनी है, थोड़ी सी बरूदा टाइप, मतलब कि इसको भोर कर डाल दीजिए। इसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है और एलोवेरा जेल को इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये आपका वो एक लेप तैयार हो गया जो कि दर्द को दूर कर देगा, और इसे बर्तन को उसी टाइम चेंज कर दीजिएगा जब आपने एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स कर दिया। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है या फिर आपकी पिंडलियों में काफी दर्द रहता है, तो आपने जो ये पेस्ट तैयार किया है, ये ऑयल तैयार किया है, इसे आपने उस एरिया पर अप्लाई करना है जहां भी आपके मसल्स में या हड्डियों में या नसों में दर्द रहता है। हल्के हाथों से अप्लाई कर दीजिए, 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और आप धूप में बैठ जाइए। दोस्तों, 1 घंटे के बाद आपने गुनगुने पानी से इसे वॉश कर लेना है, धो लेना है, किसी भी कपड़े के द्वारा आप इसे साफ कीजिए, गुनगुने कपड़ा हो यानी कि पानी में डिप कर लीजिए गुनगुने पानी वाले कपड़े में और इसे साफ कर दीजिए। ऐसा करने से पहले ही दिन में 230% तक आपको आराम मिल जाएगा। ये इतना अजमाया हुआ नुस्खा है कि बहुत सारे लोगों ने इसके फायदे लिए हैं। 230 दिन तक आपने रेगुलर इसे ऐसे ही करना है। इसके साथ आपने मुनक्का और जो सूखा नारियल है उसका इस्तेमाल भी जरूर करना है, ताकि आप इसे पूरी तरह से दूर कर सके, इस दर्द को दूर कर सके। ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।